प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की महिलाओं के स्वास्थ्य और पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए मुफ्त गैस कनेक्शन बांटने की योजना उज्ज्वला योजना के तहत दिनांक 4 सितंबर को नेता प्रतिपक्ष हितानंद अग्रवाल के वार्ड क्रमांक 35 स्थित हनुमान मंदिर के सामने सामुदायिक भवन में पात्र हितग्राहियों को उज्ज्वला गैस कनेक्शन वितरण मंचस्थ अतिथियों की उपस्थिति में की गई। वितरण के दौरान मंचस्थ अतिथियों में मुख्य अतिथि हितानंद अग्रवाल, गिरीश शर्मा, सुमित तिवारी, रवि सोन, अजय दास वैष्णव, राजकुमार अज्ञे, जय राठौर, सुरेश शर्मा, केवी सांडलिया, भोजेंद्र सिंह, गंगाराम भरद्वाज, नर्मदा प्रसाद लहरे, संपत यादव, संतू साहू, महेंद्र चंद्रा, परिमल यादव, तुलसी विश्वकर्मा, अनिल मिश्रा, ऋषु श्रीवास्तव, छदीलाल साहू, विष्णु बैस, भगत विश्वकर्मा, ईश्वर साहू, दिनेश राव, रूपेश जगत, चेतन मैत्री के द्वारा महिलाओं को अपने हाथों से गैस सिलेंडर और चूल्हा वितरण किया गया। उपस्थित सभी हितग्राहियों को गैस कनेक्शन उपयोग करने हेतु आवश्यक निर्देश दिए गए। सभी को संबोधित करते हुए नेता प्रतिपक्ष हितानंद अग्रवाल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की माँ भी चूल्हे पर खाना बनाती थी, इसलिए पूरे भारतवर्ष की महिलाओं की पीड़ा समझते हुए प्रधानमंत्री के द्वारा यह योजना लाई गई। इस योजना की वजह से महिलाओं का स्वास्थ्य बेहतर रहेगा और पर्यावरण सुरक्षित रहेगा। साथ ही नेता प्रतिपक्ष ने केंद्र सरकार की कई योजनाओं के बारे में लोगों से चर्चा की। उन्होंने कहा कि आयुष्मान कार्ड योजना, आवास योजना, उज्ज्वला योजना और इस तरह की अन्य कई योजनाएं केंद्र सरकार द्वारा जनता की भलाई के लिए चलाई जा रही है। हम सभी को उन योजनाओं का लाभ उठाना चाहिए और अपने कर्तव्यों का निर्वहन करना चाहिए। प्रधानमंत्री उज्ज्वला गैस कनेक्शन के तहत और वार्ड में और बालको जोन के अंतर्गत अभी तक लगभग हजारों लोगों को गैस कनेक्शन का वितरण किया जा चुका है। आज 55 हितग्राहियों को और गैस चूल्हे का, सिलेंडर का, रिफिल का वितरण किया जा रहा है। आज हमारे बालको मंडल के और पदाधिकारीगण यहाँ पे उपस्थित हैं, साथ में वार्ड 37 से पार्षद गंगाराम भारद्वाज उपस्थित हैं और यहाँ पे 55 हितग्राही उपस्थित हैं। उन्हें गैस चूल्हा वितरण किया गया, साथ में सुरक्षा का निर्देशन भी उन्हें बताया गया। और प्रधानमंत्री जी की महती योजना है, अभी तक देश में करोड़ों लोगों को यह उज्ज्वला गैस कनेक्शन के तहत लाभ प्राप्त हो चुका है। जो शेष बचे हुए हैं उन्हें यह योजना 2.0 की योजना के तहत दूसरे फेस में बचे हुए हितग्राहियों को लाभ मिलेगा।